अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी ठीक ही होंगे और मौसम इंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियों में तो आपको पता है मज़ा ही आ रहा होता है, हर चीज़ अच्छी अच्छी खा रहे होते हैं, गाजर का हलवा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और बाहर भी आउटिंग कर रहे होते हैं तो मज़ा ही आता है, इंजॉय करता है इंसान। गर्मियों में हर चीज़ बुरी लग रही होती है। अच्छा, अभी मैं काम कर रही थी, आज बच्चों के कपड़े वगैरह समेटे, या हसन की वार्ड्रॉप जो है मैं सही कर रही थी। और ये बताऊंगी कल एग्जीबिशन में जो मैं गई थी, काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। बच्चों के जाने वाली बिल्कुल जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था, और हमें बड़ों को ही इतनी थकन हो गई थी, तो बच्चों को कितनी थकन होती आप आइडिया कर लें। और जो मैं लेकर आई हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ और दिखाऊँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें आप लोग, ये हैंड वॉश लिए मैंने, तीन जो थी इनकी बॉटल्स मुझे मिल रही थी, एक मैंने गिफ्ट कर दी है किसी को, ये तीन जो है पैकेज में थी, तो बहुत अच्छा पैकेज मुझे मिल रहा था, डील लगाई हुई जी। हैंड वॉश की डील्स वहाँ पे बहुत अच्छी लगी हुई थी, ये न्यू ब्रांड था इनका, ऑल क्लीन के नाम से, बहुत अच्छा ब्रांड था, बहुत अच्छी इसकी चीज़ें थी, तो मैंने ये तीन हैंड वॉश लिए थे, एक बॉटल मैंने दे दी है किसी को, तो बहुत अच्छे रेट्स में मुझे मिली थी, 600 की डील थी, तीन ऐसी बॉटल्स मैंने ली 600 की। और इसके फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, मैंने यूज़ करके देखें घर आकर, बहुत मज़ा आया, बॉटल्स भी अच्छी हैं, देखें बहुत अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स इन्होंने यूज़ की हैं। अच्छा, इनका ऑनलाइन भी काम है, तो वो जो लेडी वहाँ पर खड़ी थी उन्होंने मुझे कहा था कि ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकती हैं, पहले आप ट्राई कर लें तो फिर आप हमें दोबारा ऑर्डर करिएगा, तो मैं इंशाल्लाह इन्हें ऑर्डर दूंगी। ये बॉटल्स पहले मैं ख़त्म कर लूँ, और ये वाला दूसरा है ग्रेप्स का तो ये भी बहुत अच्छी एंटी बैक्टेरियल हैंड वॉश है, बहुत अच्छे थे ये भी। अच्छा जी, तो ये देखें आप, ये मैं लेकर आई हूँ, ये बहुत अच्छा चॉप करने की मशीन है, वो मुझे करके दिखा रहे थे, आपको मैंने भी दिखाई थी वीडियो, तो फिर मैंने ये ले लिया था, इसके प्राइस भी बहुत रिजनेबल थे तो मैंने ये भी ले लिया, और ये रमज़ानों में इंशाल्लाह काम आएंगे, डी समोसा बनाने के, ट्रायंगल, सारे शेप्स, तीन शेप्स हैं तो ये भी मैं बनाऊंगी। अच्छा, मैं इंशाल्लाह नगेट्स बनाऊंगी तो नगेट्स का ये शेप दूंगी, स्टार, और ये हार्ट बना हुआ है, और ये राउंड सर्कल जो बना हुआ है ये वाला शेप देंगे। मैं मुझे शादी में जाना है तो आज टाइम शॉर्ट है, और सबसे अच्छी चीज़ मैं दिखाती हूँ मुझे क्या लगी आप लोगों को, ये लेकर आई हूँ बॉटल, ये देखें इसका साइज़ कितना ज़बरदस्त है, और बहुत अच्छी बॉटल है, मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने जो है ये बॉटल भर के रखी थी किचन के काम के लिए, मैं कुछ चीज़ें जो है चाय वगैरह बनाने के लिए तो फिर मिनरल वाटर यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने ये किचन के लिए भरी थी। और देखें आप साइज़ देखें इसका बॉटल का, कितना ज़बरदस्त साइज़ है और क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, तो इसलिए मैंने कहा चलें अच्छा डील मिल रही है, ये मुझे 1000 की मिली थी तो मैंने ये एक्स्ट्रा लेकर रख लिया रमज़ानों के लिए, रमज़ान की तैयारी भी थोड़ी सी कर ली थी मैंने, क्योंकि रमज़ान के लिए आपको पता है हर चीज़ नई, और सारे बर्तन वगैरह जो हैं वो नए अच्छे लगते हैं किचन में, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी रमज़ानों की तैयारी भी कर लेती हूँ, तो बर्तन जो मुझे समझ आए थोड़े बहुत वो मैंने ले लिए। जी ये देखें कितने ज़बरदस्त मुझे बाउल मिल रहे थे, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, कैमरे में आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा लेकिन बहुत अच्छा स्पेस है, ये देखें बहुत बड़े बाउल हैं ये, इसमें फ्रूट और आप बहुत सारे काम जो होते हैं, सब्ज़ी वगैरह मैं काट के रखती हूँ अफ्तारी के लिए, और जो पकौड़े वगैरह बनाने होते हैं उसके लिए सारी चीज़ें काट के रखूँगी, तो मुझे मल्टी कलर अच्छे लग रहे थे तो मैंने मल्टी कलर ले लिए। ये देखें फिर आप साइज़ देखें कितने ज़बरदस्त साइज़ है, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, मेरे हाथ में तो मुझे आइडिया हो रहा है, और आप लोग देखें ये कलर तीनों बहुत प्यारे लग रहे थे तो मैंने तीनों ले लिए। अच्छा ये देखें, रमज़ानों के लिए चटनियाँ बनानी होती हैं तीन तरह की, एक हरी चटनी, एक लाल चटनी, और एक आलू बुखारे की, इमली की जो चटनी बनती है, तो उसके लिए मैंने ये तीन बॉक्सेस ले लिए
पहले ही लेकर रख लिए ताकि मुझे एंड टाइम पर ना लेना ना पड़े और भागना ना पड़े मार्केट्स में, और मार्केट्स के हाल तो बहुत बुरे हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया था ना, ये ब्लू का मैंने जो है पेयर लिया था, तो ये मैंने इसका, अच्छा ये देखिए, मैंने इसके भी 2 pairs ले लिए थे, तो इसके भी मैंने 2 pairs लिए थे। ये ग्रे कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा था, ये मैं रमज़ानों के लिए रख दूँगी। ब्लू और ग्रे जो है मैंने निकाल लिए यूज़ के लिए, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में मुझे ये डस्टबिन पसंद आ गई थी, मैं बिल्कुल निकलने लगी थी एग्ज़िट के पास, तो वहाँ पे ये डस्टबिन मिल रही थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने ले लिया। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है ये ऐसे निकल जाएगी, तो इसको वॉश करने में बहुत आसानी है। और मैं इसको किचन में रखूँगी, वैसे मैं किचन में डस्टबिन रखती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें आपको पता है मेड वग़ैरह आती हैं तो वो फिर गंदा कर देती हैं, इसलिए मैं रखती नहीं हूँ। लेकिन अब मैं रखूँगी, उनसे कहूँगी इसको आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद ना इसको वॉश कर दिया करें। तो बस ये छोटा छोटा सा सारा सामान मैंने जो लिया था आपके साथ शेयर किया। अच्छा जी, तो एक और बात आपको बतानी थी, वहाँ पर नॉन स्टिक के सेट बहुत ज़बरदस्त मिल रहे थे, बहुत अच्छे प्राइस में, कुकर भी थे, नॉन स्टिक पैन थे और बहुत कुछ था। लेकिन है ना, मसला ये हुआ था कि वहाँ पे एंट्री बिल्कुल नहीं मिली, लेडीज़ जेंट्स बहुत ज़्यादा थे और बहुत अजीब सी हालत थी उस जगह की ना, तो मैं तो जा नहीं सकी क्योंकि मेरे हाथ में बैग्स भी थे, तो और लेडीज़ जो थी वहाँ पर जा रही थी परचेज़ कर रही थी, मुझे आइडिया हुआ था, मैंने एक लेडी से पूछा भी था, तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में ये पैन और नॉन स्टिक की चीज़ें मिली हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीद रहे थे, तो मैं तो वो नहीं ले सकी। बस मुझे जहाँ पर जगह मिल रही थी और चीज़ पसंद आ रही थी, नॉर्मल प्राइस लग रहे थे, तो मैंने वो चीज़ें ली थी जी। तो उम्मीद है आप लोगों को नॉलेज मिली होगी काफ़ी सारी एग्जीबिशन की और चीज़ों की। तो बस वो जो नॉन स्टिक की चीज़ें थी वो मैं नहीं ले सकी, बाकी जो ले सकी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। वहाँ पे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स थी, परफ्यूम्स थे, क्रीम्स थी। परफ्यूम्स मैंने अभी थोड़े अरसे पहले ही लिए हैं, अरसलान ने भी गिफ्ट किया था एक परफ्यूम, वो मैंने यूज़ ही नहीं किया, 3 perfume मेरे अनटच रखे हैं, तो इसलिए मैंने परफ्यूम नहीं लिए। क्रीम्स जो हैं मैंने, मुझे आइडिया नहीं था कि कौन से ब्रांड अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने क्रीम्स नहीं ली, बाकी जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली। अच्छा, तो मैं आपके लिए एक चीज़ की आसानी कर देती हूँ, इस ब्रांड का जो है मुझे उन्होंने मेन्यू जो था उनका दिया था, ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं और ये होम डिलीवरी भी दे रहे हैं, तो देखें आप, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी सारी, डस्टबिन्स भी बहुत अच्छी थी, अच्छी क्वालिटी की थी, और हैंड ड्रायर भी इनके पास, वैक्यूम रिबोर्ड, शूज़ पॉलिश वगैरह सारी चीज़ें, ये देखें सैनिटाइज़र, ये देखें सोप डिस्पेंसर है इनका, टिश्यू डिस्पेंसर है, ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर है, स्पंच स्क्रब वगैरह, ये क्लीनिंग क्लोथ्स हैं। ब्लॉग से इन खातून का नंबर जो है, दोनों नंबर मैंने दिखा दिए हैं, तो आप लोग अगर कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, हैंड वॉश वगैरह और ये सब चीज़ें, क्लीनिंग सरफेस क्लीनर हैं इनके, और बाथरूम क्लीनर है, हैंड वॉश, टॉयलेट बॉल क्लीनर है, ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रابطہ कर लें। व्हाट्सएप है इनका, फ़ोन नंबर, ये PTCL नंबर है, तो फिर आपको जो है मिल जाएगा और आप लोग मंगवाएं। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि आप लोग इन्हें अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो बायकॉट की वजह से इन्होंने अपनी काफ़ी चीज़ें लॉन्च की हैं। थैंक यू। चलें तो व्यूवर्स, अब मैं बस थोड़ी देर में रेडी होने के लिए जा रही हूँ, बच्चों का मूड नहीं है शादी में जाने का, मुझे जाना है, मेरा तो ज़रूरी है जाना, क्योंकि वो लोग घर पर इनवाइट करने आए थे, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं ना जाऊँ, तो मैं जाऊँगी शादी में। अरसलान का भी मूड है जाने का या नहीं ये देखते हैं, तो फिर मैं आपको रेडी होके अपना लुक दिखाती हूँ। देखें, दोनों फ्रेंड्स आई हैं मेरी मिलने। अलिशबा, बाल सही करो, ख़राब हो रहे हैं आपके बाल, सही करो। कल सादिया की बर्थडे थी, हमने एंजॉय किया था, सादिया मज़ा आया था कल, सादिया को तो बहुत मज़ा आया था, अलिशबा को भी, अंशरा को भी बहुत मज़ा आया था, अंशरा ने वेलवेट की फ्रॉक पहनी थी, है ना? हाँ जी, बोलो जी। और ये आप दोनों में से अच्छा कौन लग रहा था? बर्थडे से आप लग रही थी। हाँ जी, बोलो ना। तो ये दोनों में
मैं पिक्चर्स बनाई थी आपने जी। तो बस पिक्चर्स देख के मैं बताऊंगा कि दोनों में ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है। ठीक है ठीक है। आपने आपने ब्रश नहीं किया बालों में? ब्रश नहीं किया बालों में? पागल है क्या मैं? पागल लग रही हो ना, बाल ऐसे खराब हो रहे हैं। ब्रश क्यों करूंगी बता। और कल मैं मेकअप किसने किया था आप दोनों को? मैंने खुद किया। मैंने खुद मेकअप मैं अंशना मैंने किया था। सादिया किसने किया था मेकअप? आपने बहुत अच्छा। मैंने किया था। किसने किया था मेकअप? मैंने किया था। अल्लाह सादिया देखो कितना झूठ बोल रही है ये। बुरी बात है झूठ बोलना। मैंने किया था आपके मेकअप अंशना, अब नहीं करूंगी। किसने किया था कल मेकअप? किसने किया था? चलो सही सादिया, अभी मैं आपके और अच्छा वाला मेकअप करूंगी। ठीक है, समोसे आए दिखाए आनिया। वाओ ये किसके यहाँ से आए समोसे? मेरे सिये आए, मेरे सिये। मेरे सिये? आपके घर से आए? वाओ मेरी फ्रेंड ने भेजे हैं। अंशरा की जो मम्मा है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने घर के होममेड समोसे बनाकर भेजे। तो अब हम ये खाएंगे मजे से, फिर रेडी होके शादी में जा रहे हैं हम। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ शादी में, अंकल भी जा रहे हैं। और आज मेकअप मैं करूंगा आंटी। ओ नहीं ऐसा कार्टून बना दूंगा। नहीं अरसलान लगा दूंगा। नहीं अरसलान मैं खुद कर लूंगी, इस पे लगा दूंगा। और आई शेड जो है ना वो इधर फोरहेड पे लगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है ये Assalamualaikum guys, welcome back to our... Oh, sorry. मम्मा ने इंट्रो दे दिया है। मम्मा ने इंट्रो दे दिया है, मैंने ऐसी भी स्टॉप करा। जो है Assalamualaikum guys, अब मैंने अपने आदमी के रंग कर लिया है और ये है मेरा फाइनल लुक, देख सकते हैं। और अभी मम्मा का भी फाइनल लुक दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। सबर सबर यही तो चीज़ है, सबर। और अभी हम लोग एक शादी में जा रहे हैं अपने नाना की नेबरहुड, मेरे नाना के नेबरहुड्स में शादी है तो वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने इनवाइट किया हमें भी और हमारी नाना की फैमिली भी। अब वहाँ जाके देखेंगे नानी की तरफ और नाना की तरफ से कौन आया है। और हानिया नहीं जा रही एज यूजल, क्योंकि इनके पेट में बहुत दर्द है। अभी मैं आपको मम्मा का फाइनल लुक दिखाता हूँ, मम्मा पापा का दोनों का फाइनल लुक दिखाता हूँ। मम्मा पापा, मम्मा पापा, पापा फाइनल लुक के लिए आ जाएंगे आप प्लीज प्लीज। आपको दिखाता हूँ मम्मा पापा का फाइनल लुक। पापा का फाइनल लुक, लेट मी टेक अ पिक। कितने प्यारे लग रहे हो, ओह माय गॉड। हमारे साथ हमारे भाई भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बनेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, चेक कर रहे हो। ओ होश यार, अभी हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। मुझे पता नहीं क्या सूझा था, मम्मा गुस्सा कर रही। जी फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं शादी में जाने के लिए और हसन भी रेडी हैं, अरसलान भी रेडी हैं, अली भाई भी जा रहे हैं। और हानिया की जो है तबीयत आज ठीक नहीं थी तो हानिया ने कहा मैं नहीं जा रही, उनकी फ्रेंड आई हुई थी तो बस वो फ्रेंड के घर है अपने और बस हम लोग जा रहे हैं। तो जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आएंगे। दुल्हन की एंट्री हो चुकी है और आप ही आ चुकी हैं बारात में और मेरे दोस्त बहुत प्यारे लगते हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है दूल्हा दुल्हन की, ये देख लें आप लोग। दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी जब मैं पहुँची थी और यहाँ पे सब फैमिली बैठी हुई थी तो मैं इधर ही बैठ गई अम्मी के पास आकर। तो बस अब थोड़ी देर बैठेंगे। हो आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ये दुल्हन की भाभी हैं, सुबह ही आई हैं, सुबह की फ्लाइट से बाहर गई हुई थी। दुबई आप बोल रहे हैं, कहाँ गई हुई थी आप? मैं दुबई गई हुई थी घूमने। अच्छा, बहुत अच्छी फ्रेंड है, कभी कभार हम लोग मिलते हैं लेकिन अच्छे से। जी बिल्कुल। ये बेटी है, ये देखें ये बिस्मा की बेटी है, ये बिस्मा है इनकी बेटी। पप्पो की शादी में आई हुई हो ना जी। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है इन्हें।
और इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय, थैंक यू, बाय। यहाँ दुल्हन को गुस्सा आ चुका है, उनका फोटोशूट कोई होने नहीं दे रहा, तो आप देख लें दुल्हन का गुस्सा। इधर दुल्हन जरा गुस्सा दिखा दो। कैमरा ऑन हो गया तो वो हंसना शुरू हो गई है। और यहाँ अम्मी और हसन, हसन नाराज थे अम्मी से, अम्मी मनाने आई हैं। सब यहाँ पे रूठ रहे हैं। ये दुल्हन की बहन है, हाय करें। और ये दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड, और ये हमारे हस्बैंड। ये यहाँ भाई भाभी भी आ चुके हैं। अब मारेगी अब मारेगी ना उमा। हाँ, मैं ये दुल्हन की मोम, ये देख ले आप लोग। माशाल्लाह, कितनी रात दुल्हन की बहन लग रही हैं आप, देखें ये तैयारी देख लें आप लोग, इनकी पॉलर से तैयार हुई हैं। फुल लुक देख लें दुल्हन का। वहाँ देखें बिस्मा भाभी, तमारी थक गई हैं। भाभी बना लिया मैंने तुम्हें, सही है। बिस्मा को तो अपनी सेल्फी से फुर्सत नहीं है। अरुबा भाभी, फ्रेंड्स खाना खुल चुका है, बस हम खाना खा रहे हैं। अब देख लें बाकी सब भी खाना खा रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ जी व्यूअर्स, खाना तो हम खा चुके हैं जी व्यूअर्स, खाना तो हम खा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े का खाना था, बिरयानी थी और कढ़ाई थी। सारी प्लेटें आप देख लें खाली हैं। और अब लास्ट में जो है स्वीट डिश आई है, मैं भूल गई थी, स्वीट डिश देख लें मेरी फेवरेट। मैं अम्मी आप बस चख लें, मैं ज़्यादा खाऊँगी, ठीक है। तो अब मैं खाऊँगी स्वीट डिश। वहाँ दूल्हा दुल्हन का खाना चल रहा है। देखिए अम्मी को शुगर है, अम्मी मीठा बिल्कुल नहीं खाती, तो बस अम्मी ने एक स्पून लिया है और मैं डबल खाती हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट है। खाना खा लिया बेटा आपने? चलो शुक्र, हसन ने खाना खा लिया, वरना हसन कहीं भी जाते हैं खाना नहीं खाते और घर जाके कहते हैं मुझे भूख लग रही है। उस पर इतना पेट निकल गया, थोड़ा बहुत निकल ले, चलो कोई बात नहीं, बेटा निकल जाता है। आप बैठ के खाते हैं, आप आउटडोर जाया करें, गेम्स खेला करें। तो आप ही मना करती है, मैं तो खेलने जाता हूँ। अच्छा बेटा चलें, आप घर में ही खेला करें। अरुबा भाभी डाइटिंग पर है, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, मीठा भी नहीं खा रही। मीठा क्यों नहीं खा रही है अरुबा? खा लिया सर। अच्छा, ओ खा लिया। अम्मी छोड़ दें, अम्मी अम्मी छोड़ दें। दुल्हन की फ्रेंड्स ने कुछ प्लान किया था, वो कर रही हैं, तो आप लोग देखें। देखो चंदा मेरी है, तू कितनी प्यारी रे, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे, खुशियां जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाओ, मेरी डोली के संग कर दू सारी रे, मेरी डोली के संग कर दू सारी रे। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मज़ा आया शादी में। हसनैन, मधिया, रुबा, हम सब बातें कर रहे थे, अरसलान भी साथ थे, अरसलान के साथ भी बातें की और हमने हंसी मजाक किया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा, बहुत मज़ा से मुझे वो मीम याद आ गए, बहुत मज़ा आ रही है, बहुत मज़ा, वो मैं अरसलान को बता रही थी। खैर अरसलान को मैं एंटरटेन करती रहती हूँ, तो आप लोगों को भी कर देते हैं ये सोचा मैंने। और बस अब बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, तो मैं स्कूल की तैयारी करूँगी। अब रेस्ट की तरफ चलते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। चलें, मेरे व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।